कर्नाटक में चुनावी नतीजों के बाद आखिरकार राज्य में भाजपा की सरकार बन ही गई। गुरुवार को बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही येदियुरप्पा कर्नाटक में 24वें मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि अभी येदियुरप्पा सरकार को 15 दिनों में विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के किसानों को एक बड़ी सौगात दे दी। दरअसल मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। बस इसका औपचारिक ऐलान करना बाकी है। येदियुरप्पा के इस ऐलान के बाद कर्नाटक के करीब 1,00,000 किसानों को इसका फायदा होगा। गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक इस मंच से कर्नाटक के किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करता हूं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने राज्य में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा कि हमें 100% यकीन है कि राज्यपाल के द्वारा दिए गए समय में हम बहुमत साबित कर लेंगे। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं राज्य के किसानों और एससी एसटी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे चुना है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनसे किए गए सभी वादे पूरा करूंगा। येदियुरप्पा ने कहा कि मैं सभी 224 विधायकों के समर्थन की अपील करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वह अपना अंतरात्मा की आवाज सुनकर मेरा समर्थन करेंगे। मुझे भरोसा है कि मैं विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करूंगा और अगले 5 साल तक राज्य की सरकार का नेतृत्व करूंगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला जनादेश राज्य के विकास के लिए है। कर्नाटक राज्य मुख्यमंत्री आगे ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ಬರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ಬರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 38 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से राज्यपाल ने बीजेपी को पहले सरकार बनाने का न्योता भेजा था।